हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मार्केट गुरु में। आज मैं आपके सामने एक और शेयर लेके आया हूँ जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्रीज़। सबसे पहले मैं आपको इस शेयर का चार्ट दिखाना चाहूँगा। इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं क्योंकि डेली चार्ट तो देखना बेकार है। मंथली चार्ट के आधार पे आपको फ्यूचर का पता लगता है कि शेयर कहाँ जा सकता है। ठीक, अभी इसकी कीमत 22 रुपये 70 पैसे पर चल रही है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें डोजी कैंडलें बन रही हैं। यहाँ पे बायर और सेलर लगातार 4 मंथ की कैंडल हैं। ये वो एक कैंडल आपको 1 मंथ शो कर रही है। ये लगातार 4 कैंडलें इस तरह की बनी है जहाँ बायर और सेलर में एक जंग छिड़ी हुई है। इस शेयर में वॉल्यूम तो ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। मुझे लगता है कि ये अपने प्रीवियस जो हाई है इसका 58 रुपये के आसपास, इसको ब्रेक कर सकता है। आप ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों में, ब्रेक कर सकता है। इस पे आप स्टडी कीजिए। मैं तो इसको काफ़ी समय से वॉच कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये काफ़ी भागा है। ये शेयर हमारा 5 रुपये से नीचे इसकी कीमत थी और ये 58 तक गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी ग्रो किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया है क्योंकि इतना भागेगा तो थोड़ा तो थमेगा ही, और थोड़ा थमने के बाद स्टेबल होगा। फिर हो सकता है प्रीवियस हाई को भी ये क्रॉस करके ऊपर निकल जाए क्योंकि इसका सब कुछ ठीक दिख रहा है। इसमें चार्ट चार्ट के हिसाब से तो ये अच्छा दिख रहा है मुझे ये शेयर अभी। बाकी अगर हम इसके टेक्निकल देख लेते हैं, टेक्निकल में तो अभी ये बेयरिश जोन में चल रहा है क्योंकि काफ़ी समय से स्टेबल बना हुआ है एक जगह पे। फंडामेंटल की बात करें तो ये तो इसके बारे में है। ये है आलोक इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल क्षेत्र की है ये, और मार्केट कैप है इसका 11,246 करोड़। ठीक है, पी नेगेटिव है, कोई नहीं, नेगेटिव है, अभी जाएगा पॉजिटिव, आप देखते रहिए इसे। और ईवी टू ईवी आईटी रेशियो ये भी हमारा नेगेटिव में है, लेकिन कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आगे, आप इस पर स्टडी कर सकते हैं। बाकी इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 75% हैं और FII का 0.30%। अभी इसमें FII का निवेश थोड़ा कम है और म्यूचुअल फंड का तो 0 है। इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.72, इन्होंने जून की अपेक्षा सितंबर क्वार्टर में अपनी इंक्रीज़ की हैं FII ने, और इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें होल्डिंग इंक्रीज़ की है। हालांकि हमारे DII जो हैं उन्होंने रिड्यूस की है अपनी होल्डिंग इसमें, और इसमें रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग रिड्यूस की है। हालांकि इस मेन रोल होता है FII का क्योंकि जो मेन हैवी बाइंग होती है FII के द्वारा होती है। जैसे ही इसमें FII का निवेश आएगा तो ये शेयर ऊपर ज़रूर जाएगा। ठीक, क्योंकि FII के किसी शेयर में एंटर करने से जब बल्क ब्लॉक एंड बल्क डील होती हैं तो सडन जंप आता है शेयर में, तो जंप आए हम तब ख़रीदें, उससे पहले हम पहले ही क्यों ना ख़रीद के रख लें इसे। कुछ क्वांटिटी में ख़रीदिए, आप देखिए पहले तो इसको देखिए, आप वॉच आउट करिए, अच्छा लगता है आपको उसका फंडामेंटल डाटा और कुछ भी देखिए, सब कुछ मेरे कहने से ही मत खरीदिए। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए और आपको लगता है अगर ये कि फ्यूचर इसमें ग्रोथ दिखाई देती है या लगता है आपको कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके फाइनेंशियल डाटा को रीड करिए आप, और फाइनेंशियल डाटा को रीड करिए, इसके चार्टिंग पैटर्न को रीड करिए क्योंकि चार्टिंग पैटर्न के हिसाब से मुझे ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसमें मुझे ग्रोथ दिख रही है। फिलहाल नेगेटिव चल रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमेशा नेगेटिव थोड़ी रहेगा। मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। पेशेंस चाहिए होता है, पेशेंस के साथ आपका हर शेयर जाएगा। जब मार्केट बुल रन में आता है तो उस टाइम पे घोड़ा तो भागता ही भागता है, गधा भी भागता है। हाँ, ये होता है कि घोड़ा ज़्यादा तेज़ी से भागता है, गधा थोड़ा स्लो गति से भागता है। तो ये है कि गधे घोड़े में अंतर पकड़ना है, यही मार्केट है। आपको पहचानना है कौन सा गधा है कौन सा घोड़ा है, तो आप इसको वॉच आउट करिए। अच्छा लगता है आपको तो अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, देखिए इसको, इसके चार्ट को डेली देखिए कब इसमें ब्रेकआउट आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो मेरे को जैसे चार्ट के हिसाब से इसमें दिख रहा है। तो अगर ये इस पॉइंट को
ये 26 के आसपास, 26 को क्रॉस करके अगर ये क्लोजिंग देता है इस पॉइंट पे, अगर ये क्लोजिंग दे देता है 26 को, मतलब क्लोजिंग बेस पे, मतलब ये 26 से ऊपर निकलता है अगर, तो ये बहुत ही अच्छे जोन में आ जाएगा। फिर इसका टारगेट 50 क्रॉस होगा, ये आप मेरी बात को लिख के रख लीजिए कहीं पे, और ये ग्रोथ करेगा ही करेगा।